नमस्कार दोस्तों बीट्यूस इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग मार्जिन कितना लो गारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत कड़वा चीजें बोलने वाला हूँ जो शायद आपको बुरी लगेगी मैं बस एक चीज बोलता हूँ कि आप टाइम रहते ही सुधर जाओ नहीं तो आपको ऑनलाइन मार्केट खा जाएगा नहीं तो आज नहीं तो आपको ये चीज बाद में पता लगेगा और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता लग गए होगा स्पेशल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सिटी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं स्पेशली जो टाउन्स uh, के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ अभी के लिए बाकी ये चीज गाँव में भी होने वाला और आज के टाइम पे में बहुत सारे गाँव के अंदर भी चीजें ऑनलाइन पहुंचने लग गया है तो इसके लिए बोल रहा हूं। बोल रहा रहा इसलिए कि आज के टाइम पे क्या हो गया आप खुद अगर परचेस करने के लिए जाते हैं अपने सामान अगर आप पूरे दिन घूमते हैं और मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग सात आठ घंटा घूमते हैं उसके बाद कुछ शॉपिंग करके लेके आते हैं बाद में हमारे अंदर कहीं ना कहीं जब जैसे ही दुकानदार हमको रेट बताते हैं ना रिटेल के रेट बताते हैं हम खुद के परचेसिंग के लिए तो कहीं ना कहीं हमको लगता है यार बहुत महंगा दे रहा है इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ले लूंगा क्योंकि ऑनलाइन उस रेट दिखते हैं और वही ब्रांड्स के वही आइटम को इस तरीके से लोग देखते हैं कि यार ये तो काफी मार्जिन में, में मेरे को मिल रहा है तो मैं यहाँ से क्यों परचेज करूं मैं क्यों भटक रहा हूँ यहाँ पे अगर ये बिलीव सिस्टम सिस्टम अगर लोगों के मन में घुस गया ना एक बार के लिए जैसे खुद के अंदर भी घुसता है मैं मैं खुद अपने लिए परचेस करने के लिए जाता हूँ या मैं कभी गया हूँ या रिसेंटली भी गया हूँ ना तो मुझे लास्ट में एक चीज आई है यार मैं इतना भटका इतना सारे शॉप्स देखा कभी वहां पर कोई चीज नहीं मिल रही है कभी कोई चीज मिल रही है मिल रही है तो रेट सही नहीं मिल रहे तो मुझे ऑनलाइन की तरह मूव होना चाहिए

परसेंट का अगर वो मान लो तो सौ रुपये का अराउंड आपको मार्जिन बच रहा है अगर पांच सौ की कोई चीज है तो सौ रुपये आपको मार्जिन भी बच जाएगा और प्लस आप कस्टमर जाके फील करके चीजों को ले पाएगा तो इसमें कैसा हो जाएगा कस्टमर को बेनिफिट हो जाएगा उनको ऑनलाइन के भाव में उसको रेट मिलने लग जाएगा प्लस उसके इंस्टेंट उसको चीज मिलने लग जाएंगी क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मुझे तुरंत तुरंत करे अभी जैसे कि हम लोग आज का देखते हैं कि इंस्टा परचेस हो गया मतलब एकदम से जैसे सिटी के अंदर भी परचेसिंग चालू हो गया है जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं आप जानते हैं तो इस तरीके की भी सर्विस चालू हो गई है तो सोच लो आपका बिजनेस कहां बचने वाला है तो मैं तो बस एक ही चीज बोलता हूं कि मार्जिन आज के टाइम पे ज्यादा लेना छोड़ दो आपको जो भी अगर आगे बिजनेस बनाना है आगे अपना पर बना के रखना है दबदबा बना के रखना है या मार्केट में जगह बना के रखनी है या जो लोग एक बार परचेस करने आगे तो उनको ये ऑनलाइन वाला भी भूत भी उतर जाएगा कि नहीं यार इससे अच्छा तो रेट यहाँ मिल रहा है या फिर वो सेम रेट यहाँ पे मिल रहा है मैं क्वालिटी फील कर सकता हूँ देख के चीजें ले सकता हूँ क्योंकि हम लोग ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें देखते हैं उसके बाद कुछ चीजें पसंद आती है और हम ऑनलाइन में एक फोटोग्राफी के पीछे उस चीज को खरीद लेते हैं जो बाद में पता ही है जैसे मीम्स भी बनते हैं कि भाई हम ऑनलाइन में कैसा फील देखता था और हमको पहने के बाद दिख रहा है तो इस चीज से कंज्यूमर भी बचना चाहता है और वो कंज्यूमर क्यों भटकना नहीं चाहता है सबसे चीजें किसी के पास टाइम नहीं है शायद आप भी फील करते होंगे अगर अगर मैं ज्यादा बुरा मत माना एकदम निठल्ले बैठे ना एकदम बेरोजगार लोग बैठे हैं जिनको खाली पैसा ही बचाना है घूम फिर के उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ जनरली जो वर्किंग लोग हैं जिनके पास काम है तो वो अवॉइड करते हैं इस तरह की परचेसिंग करना की जाके पूरे दिन घूमो मार्केट में जनरली जो हाउस वाइफ है उनके पास अगर टाइम है बीच में या उनको कभी मन भी करता है कि यार मुझे घूमना चाहिए मुझे अच्छी जगह जाके परचेज करना चाहिए उन लोगों की बात अलग है बाकी जो वर्किंग्स हैं उन लोगों को वो चीज नहीं है आज के टाइम में उनको बस ये है कि भाई अच्छी चीज फटाफट से सही रेट में कहीं मिल जाए सो so, आज के टाइम पे मैं सर्वे जो मैंने किया है मेरे ग्रुप मेंबर हैं उनके भी सर्वे, सर्वे मैंने किया है उनके बिजनेसेस का भी मैंने किया है बस एक चीज है आप अपने एरिया में 25 से 30 परसेंट मार्जिन रखो इवन बहुत सारी जगह ज़्यादा कंपटीशन है तो वहाँ पे 20 परसेंट रख लो खर्चा वर्चा काटेगा जनरली 10 परसेंट का खर्चा आ जाता है पाँच परसेंट का जी एस टी परसेंट के अदर खर्चा ट्रांसपोर्ट एंड जो भी खर्चा आपके दुकान वकान के दस परसेंट मतलब सपोज कोई अगर पाँच की चीज़ आई उसमें आप अगर बीस मार्जिन लेना तो तीस परसेंट कर दो अगर तीस मार्जिन लेना तो चालीस परसेंट कर दो सो डायरेक्ट जो सप्लाइट से आपने बाय किया उस रेट में जी एस सब लगा लोगे ठीक है इससे क्या व्यापार बन जाएगा लोगों के व्यापार बने हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लोग बहुत सारे चक्कर में रहते हैं जैसे अभी यूट्यूब से वीडियो देख लिया कहीं से भी लोग मोटिवेशन दे देते हैं कि भाई जो ऑनलाइन सेलर है ना वो खुद एक मैन्युफैक्चरर है आज के टाइम इस लेवल पे चीजें चल रही हैं और अब ये जो डिलीवरी नेटवर्क है ना अभी आज के टाइम पे बहुत महंगा है डिलीवरी नेटवर्क अगर ये नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रांग बन गया ना तो आप समझ लो कि आप तो कभी जगह ही नहीं बना पाएंगे स्पेशल मैं टाउन इसकी बात कर रहा हूँ गाँव वालों को भी ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है जिनके शॉप में शॉप गाँव के अंदर है या छोटे मोटे जो कस्बा रहते हैं उनके अंदर है उनको भी ज्यादा देर खुशी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अभी जनरेशन है ना वो इंस्टाग्राम वाली है रील्स वाली है जो की आपको ऑनलाइन सब देखती है और चाहती है कि बस ये आइटम मुझे से भी मिल जाए करके और वहां पे भी लिंक आजकल डाल देते हैं भाई यहां से खरीद लो आज से खरीद लो तो चीजें ऐसे होने वाली हैं आप आपको अभी सुधरना है सुधर जाओ बाद में आप जगह मार्केट में बना ही नहीं पा पाओगे फिर आप दस दस रुपए को घूमोगे कि मुझे दस रुपए बिजनेस कर लूंगा तब भी मुझे चलेगा लेकिन वो गैप नहीं बना पाओगे फिर आप जगह ढूंढ ही नहीं पाओगे अपने लिए इसलिए बोल रहा हूँ आप परचेसिंग सही जगह से करो आपको मार्जिन जो है ना वहीं से मिलेंगे आप परचेसिंग अगर सही जगह से हो जाएगी आपकी तो आप मार्जिन ले पाओगे नहीं अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे परचेसिंग इन द सेंस का हो गया अभी कोई भी सप्लायर है अगर वो बेच रहा है खुद बना के भी बेच रहा है ना जो मैंने आपको गैप बताया वो है ही है जो डिलीवरी चार्जेस है जो है, जो डिलीवरी टाइमिंग्स है है उनके वो सब कर -करा के उसको जो खर्चा आता है उसके अंदर मार्जिन के अंदर आप फिर भी बिजनेस कर सकते हो आप एक रियल मैनुफेक्चर से बाय करो रियल मैनुफेक्चर से बाय करने के बाद आप बेचो मार्केट के अंदर मैं बोलो गारंटी आपका बिजनेस चलेगा और ये सब क्वांटिटी के खेल होते हैं हमको ऐसा लगता है ना कि हमारी सिटी में बस इतने लोग हैं आपका बहम है आप पहली बात तो दुकान पर बैठे नहीं

फिर भी हम चले जाते हैं ना वहाँ बट ठीक है यार इससे अच्छा कोई रेट नहीं दे रहा है या जो भी नहीं दे रहा बाकी व्यवहार आपको सबसे बेस्ट ही है क्योंकि हर एक कैटेगरी का कस्टमर रहता है कि भाई आपको व्यवहार वाला होता है उसको रहता है कि ये बंदा सही नहीं है ईगो होता है उसके अंदर ईगो भी नहीं होता उसका वो लेवल भी होता है ऐसा नहीं है कोई बंदे के अंदर ईगो नहीं होता उसका वो लेवल बन जा चुका है कि वो उस चीजों को सुनना नहीं चाहता या उन्हें कभी वो सोचता नहीं कि मुझे कोई ऐसा भी बोलेगा तो आप चीज़ें को मैं लंबा वीडियो खींच रहा हूँ लेकिन ये बहुत काम का चीज है और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हम फेस्टिवल पे सारा निकाल लेंगे फेस्टिवल पे माल बिकेगा अच्छा खासा वो फेस्टिवल के भरोसे पता है लोग क्यों बैठने लग गए आज के टाइम पे क्योंकि फेस्टिवल ही बचा है जो उनको पैसा दे रहा है बाकी दिन कहाँ है मार्केट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लंबे टाइम तक चलना है अगर आपको रेगुलर चलना है अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए ना आपको सही मार्जिन पे ही काम करना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं इसका आज के टाइम पे रियल का मैं बार बार बोलता हूँ भाई मेंबरशिप ले लो उसमें रियल मैनुफ्रक्चर का भी डिटेल मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा गाइडेंस भी मिलेगा और भी ग्रुप मेंबर है उनका भी साथ मिल जाएगा ऐसा कम्युनिटी कभी मिलता नहीं है न आज तक बना है कि भाई आपस में लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं और वहाँ के कोई डिस्कस कर रहा है भाई तू कहा से परचेज है कहाँ से उसने परचेस किया कैसा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है ये सब चीजें नहीं मिलती है प्लेटफॉर्म मैंने बनाया तो पेड मैंने किया है वो तो मैं सर्विस अगर है मेरा उसमें तो मैं चार्जेस लूंगा लेकिन ऐसा कभी मिलता नहीं कोई आप यूनिवर्सिटी भी पढ़ने जाते हो ना उसमें भी बहुत पैसा खर्चा होता है तब जाके आपको भरोसा नहीं है कि वो जॉब भी मिलेगी आपको नहीं मिलेगी या फिर जो लेकिन नॉलेज आती है ना आपको तो वैसे है कि आप एक बार ज्वाइन करो जिससे क्या हो जाएगा आपको नॉलेज हो जाएगी सही हो जाएगी सही समझदारी से कहां से चालू करना है कहां से कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है वो सब चीजें पता लगेंगी तो आप सही सके से बिजनेस कर पाओगे मेरा से गाइडेंस यही रहेगा आप एक यूट्यूब का भी भूत लोगों को बहुत चढ़ गया है लोगों को इतने सस्ते चीजें दिखा दिए ना इतने रेट सस्ते दिखा दिए ना लोगों को यूट्यूब में मतलब अगर आपको रियल रियलमैन मैन्युफैक्चर भी कोई प्रोडक्ट देगा ना तो आपको महंगा लगने लग जाएगा ये चीज मैं खुद फील करता हूँ ये मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ भी करता हूँ बाकी जो रैंडम लोग हमसे चैट वगैरह हो जाती है कभी कुछ कभी व्हाट्सअप पे हल्का फुल्का बातचीत हो जाता है ना तो उससे एक ही चीज फील मैं करता हूँ कि लोगों ने कोई भी आइटम का इतना सस्ता रेट दिखा दिया ना आपका बिलीव सिस्टम खत्म हो गया कि यार मैं ये रियल मैनुफेक्चर है इस ये भी इतना महंगा दे रहा है तो मैं इससे अच्छा तो इससे ले लेता हूँ ये वैराटी बना के दे रहा है आपको गारंटी भी दे रहा है छह महीने की आपको रिटर्न भी कर सकते हो ये हो सकता है वो इतनी गारंटी दे रहे हो क्योंकि उसके खुद की बिजनेस की उतनी गारंटी खुद के पास भी नहीं होगी कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा आपको इसलिए दे रहा है कि उसका तो माल बिके कैसे भी कि उसके घर से तो माल निकल जाए बाकी आपके गले में माला बता रहा आपको, आपको हूँ तो रियल, रियल जगह पे जाना पड़ेगा अदरवाइज ये सब बिजनेस नहीं होते हैं अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जो चार्जेस लेता हूँ ना अगर आपने वो लिया और आपने बिजनेस भी नहीं किया ना तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि मुझे बिजनेस करना है नहीं करना है करना है तो कैसे करना है कितने मार्जिन में करना है कैसे करना है पढ़ाई का कॉलेज है मतलब यहाँ पे चीजें समझाई जाती हैं सिखाई जाती हैं मार्केट्स के बारे में बहुत सारे इनसाइट्स बताए जाते हैं और भी चीज़ें डिस्कशन हम लोग जो कर लेते हैं कॉल्स पे है मीटिंग्स के अंदर है वो ऐसे नहीं मिलता है वो मतलब बनाना पड़ता है एक दिन का काम नहीं है मैं पांच साल से यूट्यूब पे हूँ उसके बाद मैंने मार्केट्स देखी है मैं मार्केट्स को समझा हूँ सीखा हूँ उसके बाद ये चीजें बता रहा हूँ आप जो यूट्यूब पे बोलने वाले जो सस्ते आइटम है उनकी रियलिटी तभी पता लगती है जब आप परचेज कर लेते हो उसके बाद जो चालू होता है काउंट कि आपके कोरियर का बिल्टी नहीं मिल रहा है आपको ट्रांसपोर्ट का ये नहीं पता लग रहा है आपके माल का पता नहीं लग रहा है माल निकला नहीं निकला क्या हुआ कोई भरोसा नहीं है माल भेजा बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि सपोज आपने देखा भाई सौ सौ की आइटम और उसने भेजा की दस हजार पे भी कर दिया और फिर वो क्या करेगा जो एक्चुअल रेट है ना उसका जो दो सौ रुपए की आइटम होगा दो सौ के हिसाब से उतने ही पीस डाल के भेज देगा कि नहीं भैया ये तो दो सौ का ही है ये तो वो हो गया मेरे लड़के ने कर दिया मैंने वो कर दिया वो हो जाएगा बहुत केस में ऐसा भी हो जाता है कि आपको माल ही नहीं मिलता है बहुत सारे केस में ऐसा हो जाता है कि माल वो एकदम कचरा फिर भर के भेज देते हैं ये कब होता है आपके पास जब माल पहुंचता है या फिर माल जब सेल नहीं होता है

वो वही लोग हैं जो पांच साल साल से देख रहे हैं जो उनको पांच साल साल से घुसना है घुस गुछ गए या घुसने वाले हैं या उनको अभी भी लगता है कि मुझे सही सप्लाई नहीं मिला बस वही देख रहे हैं मैं ये नहीं बोल रहा था वीडियो देखना छोड़ दो आपको वीडियो में से क्या लेना है कितना लेना है उतना समझ लो बस लास्ट में एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको रियल मैनुफेक्चर्स के पास जाना ही पड़ेगा आज जाओ या कल जाओ या आप दिल्ली से खरीदो चाहे कोलकाता से मुंबई से खरीदो कहीं से खरीदो या सूरत से, से, से खरीदो पर जब तक आप रियल मैनुफैक्चर्स तक नहीं पहुँचोगे तब तक ये आपकी चलती रहेगी और जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं होने वाला जब तक सही बंदे से नहीं बोलोगे तो मैं बस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगा अगर आपको मैन का डिटेल चाहिए रियल मैनुफैक्चर का डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप करें वहाँ पर आपको मेंबरशिपिपि डिटेल आ जाएगा अगर आपको सही लगे तो ले ले नहीं तो कोई बात नहीं आप सीखते रहें समझते रहें टाइम के हिसाब से चीजें आ जाएंगी मुझे भी टाइम के हिसाब से आई है ऐसा नहीं है लेकिन अगर आपको टाइम नहीं देना है इनसाइड समझ रहे हैं सब कुछ समझना है तो फिर आप ले सकते हैं थैंक यू सो मच